14 फरवरी जहां देश दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, वहीं दिल्ली के सुभाष नगर में मातृ पितृ पूजन। ये पोस्टर कैसे लगा? ये बापूजी का पोस्टर है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस आज क्यों आए हो? आज बापूजी के दर्शन करने। आप इस अंधविश्वास में शामिल हो रहे हैं जहां लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप यहां पर आए हैं? आपको ये अंधविश्वास लगता है जिसे आप वैलेंटाइन डे कह रहे हैं, वो विदेशों में मना मना के 13 से 19 वर्ष की बेटियां बिन ब्याही माँ बन रही हैं। 14 फरवरी के दिन ही विदेशों में सबसे ज्यादा कंडोम बिकते हैं। उस दिन इतना अत्याचार होता है हमारे युवाओं के ऊपर, उसी अत्याचार को मिटाने के लिए, उसी अत्याचार के विरोध में ये 14 फरवरी को दिन माता पिता के पूजन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा को हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, जिसको मनाना है वैलेंटाइन डे मनाए, बट हम उसको पेरेंट्स वर्शिप डे के रूप में मनाएंगे। इसमें फर्क जनता को देखना है। कितने समय से जुड़े हैं आप? मैं 24 साल से जुड़े हुए। ये बहुत ही सुंदर शुरुआत है और ये हमारे समाज में संस्कारों को स्थापित करने के लिए बापू जी द्वारा किया गया बहुत ही उत्तम प्रयास है। कुछ पेरेंट्स जो है भावुक होते नजर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम देखकर? बहुत अच्छा लगा, मजा आया, खुशी है, बहुत खुशी है। नमस्कार, मैं पूनम राव, देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूँ इस समय सुभाष नगर में, जहाँ देश दुनिया में वैलेंटाइन डे की धूम मची है। वहीं एक तरफ ये देखिए कितना बड़ा पोस्टर लगा है, जिसमें नाम लिखा है संत श्री आसाराम बापू द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन, यानी कि 14 फरवरी जहाँ देश दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, वही दिल्ली के सुभाष नगर में मातृ पितृ पूजन। आइए जुड़कर जानते हैं कि क्या है ये, क्या स्पेशल रहने वाला है माता पिता के लिए इसमें, और ये आज के दिन ही यानी 14 फरवरी को क्यों मनाया जा रहा है, क्या कारण है इनका? लगातार जो है कहीं ना कहीं अंधविश्वास तो नहीं? आइए जुड़कर जानते हैं लोगों से। ये पोस्टर कैसे लगा? ये बापूजी का पोस्टर है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस आज, और बापूजी की प्रेरणा से पूरे विश्व में और सब धर्मों वाले सब मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इसी से उद्धार होना है देश। तो ये बताइए 14 फरवरी को क्यों मना रहे हैं? ये इसलिए मना रहे हैं कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति को दबाने के लिए वैलेंटाइन डे फूल वूल दिखा के बच्चों बच्चियों को कहीं अपना एक दुष्ट प्रचार कर रहे थे, उसके लिए बापू जी ने ये प्रेरणा दी कि ये इस दिवस को ऐसा मनाओगे तो और आपको अच्छा रहेगा। और इसे माता पिता जो आज वृद्ध आश्रम में जा रहे हैं वो वृद्ध आश्रम में नहीं जाएंगे, माता पिता अब भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चे बच्चिया भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्या 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने से क्या माता पिता वृद्ध आश्रम में नहीं जाएंगे? जो बच्चा सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करेगा, रोज माता पिता को नमस्कार करेगा, तो एक सोच है, एक शुरुआत है कि ये वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए। और आपको लगता है कि जहाँ देश दुनिया में इतनी तगड़ी तरीके से कहें पूरे जो पश्चिमी संस्कृति का वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपका एक उसके आगे टिक पाएगा? बिल्कुल टिकेगा जी, बिल्कुल टिकेगा, क्योंकि ये बोलते हैं वैलेंटाइन डे की प्यार का दिवस, लेकिन सच्चा प्रेम दिवस तो माता पिता से होगा ना, जिसने हमें पैदा किया, संस्कार दिए, वो माता पिता पूजन दिवस से ऊपर क्या होगा? एक शुरुआत है हमारे पूज्य संत बापू जी ने करी है और धीरे धीरे ये विश्व भर में व्यापी हो चुका है। आप देखिए यूट्यूब पे इसके इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, इवन की बहुत सारी सरकारों ने अपने स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस का भी ऑर्गेनाइजेशन किया है, सरकारी छुट्टी दी हुई है। 14 फरवरी को माता पिता की पूजन करो और आशीर्वाद पाओ। कौन सी जगह सरकारी छुट्टी मिली है 14 फरवरी? बहुत सारे दिल्ली के बाहर जो जहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप वहाँ पे सरकारी छुट्टी है, स्कूल में आओ लेकिन माता पिता की पूजा करने के लिए। तो एक शुरुआत हुई है बापू जी की तरफ से। आइए जुड़कर जानते हैं उन बच्चों से जिन्होंने अभी स्टेज पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, पापा की वैल्यू बताई कि क्या वैल्यू है। आइए जुड़कर जानते हैं उनसे क्या बात है। अभी आपने डांस किया स्टेज पे, आपने डांस किया ना? हाँ। कैसा लगा आपको डांस? अच्छा लगा। क्या नाम है बेटा आपका? साधना। साधना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। फोर्थ में पढ़ते हो, क्यों आए हो आज यहाँ? फंक्शन करने। फंक्शन करने? बापू जी के दर्शन करने। अच्छा लगता है बापू जी के फंक्शन में? हाँ। मजा आता है? हाँ। कितना मजा आता है? बहुत ज्यादा। क्या सीखा आपने? सबकी पूजा करनी चाहिए, माता पिता की पूजा करनी चाहिए, सबका आदेश मानना चाहिए, माता पिता के रोज सुबह उठ के पैर छूने चाहिए। इतनी ज्यादा गैदरिंग में यहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को लेकर आए हैं, आओ उन माता पिता से जुड़कर जानते हैं क्यों लेके आए अपने बच्चों को और कितने समय से यहाँ से जुड़े।
जुड़े हैं या पहली बार आए? पहली बार आए इस फंक्शन में? नहीं, हर बार आते हैं। क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा है हमारे लिए, जैसे हमारा जो सांस चल रही है वो भी उनके लिए, बाबू के लिए। उनके ऊपर तो इतने गंभीर आरोप लगे, लगाने तो क्या होगा, विश्वास। बाप तो एक ही होता है ना, सब झूठे हैं। निर्दोष हमारे बापू, और निर्दोष होकर ही आएंगे बरी। उन्होंने पहले भी कहा था जमानत पर नहीं आऊंगा, एक ही बार आऊंगा धमाका करके, बरी होकर आएंगे। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, इतने साल हो गए, कब हमारे बापू को बाहर लाएंगे? सब कहते हैं कि बापूजी चमत्कारी हैं, पर वो चमत्कारी हैं वास्तव में तो वो जेल से बाहर क्यों? तो वो चमत्कारी हैं, ऋषि संत अपने लिए नहीं कुछ करते, वो समाज के लिए करते हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं करते। अपने लिए तो उनका शरीर जहर है, वो आज भी पूर्ण स्थिति में है, और उन जैसा पूरे विश्व में ना कोई है ना कभी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेश तनेजा है। आप इस अंधविश्वास में शामिल हो रहे हैं जहाँ लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप यहाँ पर आए हैं? आपको ये अंधविश्वास लगता है जिसे आप वैलेंटाइन डे कह रहे हैं, वो विदेशों में मना मना के 13 से 19 वर्ष की बेटियाँ बिन ब्याही माँ बन रही है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी माँ बेटियाँ भी ऐसे बने, हमारे बच्चे भी ऐसे बने? आप जिसे अंधविश्वास कह रहे हैं वो एक सच्चा प्रेम दिवस है। क्या वैलेंटाइन डे मना के भारत में भी जो बिन ब्याही कन्याएं हैं वो माँ बने, क्या ऐसा चाहते हैं क्या? या मातृपित्र पूजन दिवस मनाकर हम संस्कृति का प्रचार करें और अपनी संस्कृति को मनाकर माँ बाप के आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। 14 फरवरी के दिन ही विदेशों में सबसे ज्यादा कोंडम बिकते हैं, 14 फरवरी को ही सबसे ज्यादा बिन ब्याही जो लड़कियां होती हैं वो माँ बनती हैं। उस दिन इतना अत्याचार होता है हमारे युवाओं के ऊपर, उसी अत्याचार को मिटाने के लिए, उसी अत्याचार के विरोध में ये 14 फरवरी को दिन माता पिता के पूजन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कितने टाइम से मनाया जा रहा है? ये 2007 में शुरू हुआ था। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने देखा कि पूरे संसार के जो युवा हैं, युवा ही देश की कर्णधार होती है, वो युवा ही जब गर्क हो रहा है, गलत चीजों में जा रहा है, युवा को हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, जिसको मनाना है वैलेंटाइन डे मनाए, बट हम उसको पेरेंट्स वर्शिप डे के रूप में मनाएंगे। उसमें फर्क जनता को देखना है, आप देखो, माँ बाप देखें, लोगों के अभिभावक देखें कि कौन सा उनको करना है, अपने बच्चों को क्या संस्कार देने हैं, विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण करके। जहाँ आपके गुरु जी पर इतने गंभीर आरोप लगे, इतने समय से जेल में, उसके बावजूद भी आप ये बात कर रहे हैं? आप ये देखिए, आप बापू जी को झूठे केस में जेल में फंसाया गया, फिर भी वो अंदर बैठकर भी हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं कि उन्होंने जो चलाया, जो भारतीय संस्कृति का परचम लहराया उन्होंने, उसी को हम आगे बढ़ाकर वो सेवाएं निरंतर जारी हैं। चाहे कोई कितना ही उस चीज का विरोध करे, कोई कितने ही गलत केसों में फंसाए, पर ये संस्कृति का जो काम है, जो देश को आगे बढ़ाने का काम है, ये चलता रहेगा। जो लोग जुड़े हुए हैं वो कोई जज की जजमेंट देख के नहीं जुड़े थे, हम अपने अनुभव से जुड़े थे। हमें फायदा हुआ, हमें मेरा जीवन परिवर्तित हुआ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं पढ़ने में बहुत बहुत कमजोर था, धीरे धीरे मैंने पूज्य बापू जी से जो मंत्र लिया, सारस्वत मंत्र लिया, उससे मेरे जीवन में विकास हुआ, मेरी बुद्धि अच्छी हुई, जिससे मैंने आगे जाके अच्छी पढ़ाई करी। और वो संस्कार ही है जो आज हम भी जहाँ कर मातृपित्र पूजन दिवस मना रहे हैं। नहीं तो मैं भी होता, संडे का दिन है, जाके दोस्तों के साथ पब में बैठा होता, दारू पी रहा होता, बट जो संस्कार पूज्य गुरुदेव ने हमें दिए वही हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? विशाल आचार्य। कितने समय से यहाँ जुड़े हुए हैं? मैं पूज्य बापू जी से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी आपकी आस्था कम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमें पता है कि बापू जी निर्दोष हैं, उनके पर जो भी आरोप लगाए गए वो तथ्यहीन है और उसका कोई विटनेस भी नहीं है। अच्छा, विटनेस नहीं होने के बाद भी वो इतने समय से जेल में? वो हमें भी आश्चर्य के ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एक तो 50 वर्षों से हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए जो सेवा करते आए हैं, और उन्होंने जितने सारे धर्मांतरण जो हो रहे थे उनको रोका, कई लोगों की घर वापसी की, लाखों लोगों की, और उनके ऊपर ही ऐसे चारित्रिक आरोप लगे हैं, तो बहुत आश्चर्य की जाए। और आरोप लगने के बाद भी जो हमने न्यायालय में हमने हमारी जो भी तरफ से जो लड़की के एविडेंस थे और जो टाइम गैप था जो उस समय का, वो सब हमने सामने रखा उच्च न्यायालय के सामने, तो फिर भी हमें न्याय नहीं मिला। ये हमारे लिए आश्चर्य के, हिंदू संत के लिए न्याय क्यों नहीं मिला, जबकि अन्य धर्म के लिए या अन्य जो लोग होते हैं या आतंकवादी होते हैं उनके लिए भी आधी रात को कोर्ट खुल जाती है, उनको कुछ न कुछ राहत मिल जाती है, उनके लिए सुविधाएं दी जाती है, पर जो हिंदू संत हैं 50 वर्षों से हिंदू संस्कृति की सेवा करते आ रहे हैं उनको राहत नहीं मिली है, ना कोई सुविधा मिल रही है।
क्या नाम है मैम आपका? गार्गी। गार्गी, गार्गी, कितने समय से जुड़े हैं यहाँ पर? मैं 24 साल से जुड़ी हूँ। जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि मतलब आप महिला होने के नाते जो एक महिला के साथ हुआ जो आरोप लगा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप दरअसल बिल्कुल सरासर गलत है और जिसका आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, और बापूजी को एक दिन की पैरोल भी नहीं दी गई। कितने लोग हैं जो कितने जघन्य अपराध करते हैं, लेकिन बापूजी ने तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए भी उनको इतनी बड़ी सजा, और उनको छोड़ भी नहीं रहे। उनकी कितनी तबीयत खराब है, कोई डॉक्टर से सही से इलाज भी नहीं हो रहा उनका, ये सरासर गलत है। पहली बार आई इधर? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए क्या करने आए? मातृपिता पूजन दिवस मनाया जा रहा है, उसी को उपलक्ष्य में। वैलेंटाइन डे नहीं मनाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हमारी गुरुदेव की आज्ञा है। हमारे गुरुदेव ने बहुत 2006 से ये मातृपिता पूजन दिवस का कार्यक्रम रखा, तभी से हम मनाते ही। वैलेंटाइन डे में मजा नहीं आता क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं मनाते। अच्छा, आपके माता आज के आप बच्चे आपकी क्या कर रहे हैं? पूजा करने वाले? पूजा करने वाले हैं, पूजन होगा आज। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम गौरव है, गौरव कुमार। मैं प्रोफेशनल में टीचर हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ 11th 12th के बच्चों को। तो ये बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं हमारे यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी हैं वो यहाँ पे जैसे कई सालों से जुड़े हुए थे, तो मैंने कहा चल लेते हैं, ठीक है। जैसे नाम से ही साउंड अच्छा आ रहा था कि भाई मातृ पितृ पूजन दिवस, तो मैं टीचर भी हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि नाम सुन के कि भाई कुछ अच्छा ही होगा। एक बार तो मेरी आंखें ही भीग गई थी, मतलब एक बच्चा अपनी माँ के लिए जो फीलिंग रखता है, जो एक मतलब दिखाया, मतलब आप ये सोचिए कि जब इतने बड़े पर्सन की आंखें भीग जाए और वो लगे, मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, मतलब सडनली, तो आप ये सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे उनमें क्या संस्कार जा रहे होंगे। मतलब मैं एज ए हिंदू मतलब ये कहूंगा, अब मेरा बेटा ना टीका नहीं लगाता, यहाँ पे इस एनवायरमेंट में देखा छोटे छोटे बच्चे टीका लगा के जा रहे हैं, मेरा बच्चा टीका लगाने को अवॉइड करता है कि नहीं, उसको लगता है पता नहीं क्या है। मुझे लगता है कि आजकल का मॉडर्न बच्चा वही है। मैं अगली बार तो उसको भी लेके आऊंगा सो दैट कि वो टीका लगाए और उसको देखे, जब वो बच्चों को देखेगा इस कल्चर में आएगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए किस तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके माता पिता की मौजूदगी आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो है, ये देखिए यहाँ पे माता पिता बैठे हैं। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये बहुत ही सुंदर शुरुआत है, और ये हमारे समाज में संस्कारों को स्थापित करने के लिए बापू जी द्वारा किया गया बहुत ही उत्तम प्रयास है। देखिए जो लोग हैं किस तरीके से मातृ पितृ पूजन दिवस को मना रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, जो माता पिता भी हैं वो अपने बच्चे को तिलक कर रहे हैं, उन्हें मिठाई खिला रहे हैं और जो है आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है? बच्चे के जो एक्सप्रेशन है बहुत ही अच्छे लगे, उसे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत ही क्यूट है, और सच में माता पिता जैसे संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे वो बड़े होकर नजर आएंगे। क्या कर रहे हो बाबू? पूजा कर रहे। किसकी पूजा कर रहे हो? माता पिता की। अच्छा लग रहा है आपको? मम्मी को तिलक किया आपने, मजा आया आपको? हाँ। देखिए जो माता पिता भी अपने बच्चों को तिलक कर रहे हैं, और पहले बच्चों ने माता पिता को तिलक किया, और इन पे देखिए कितने सारे बच्चे जो हैं इनकी पूजा कर रहे हैं और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाते हैं। अब माता पिता जो फूल माला है सारी बच्चों के गले में डाल, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। सर ये सारे बच्चे आपके हैं क्या? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स है। देखिए जो टीचर भी है, टीचर भी माता पिता के समान ही होते हैं, जो स्टूडेंट है अपने टीचर का जो पूजन करते नजर आए हैं, और लगातार जो है बहुत ही अच्छा संदेश है समाज के लिए। कुछ पेरेंट्स जो है भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, रोने लग रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुछ पेरेंट्स हैं भावुक हो गए हैं इस दृश्य को देखकर, या कहें आम। देखिए किस तरीके से जो माता पिता अपने बच्चे को गले लगा रहे हैं और भावुक हो गए, इतने ज्यादा भावुक हो गए हैं। आंटी किसकी पूजा कर रहे हो आप? माता पिता की। ये आपके कौन है? पिताजी। क्या उम्र है आपकी? 57। आपकी जी। अंकल जी क्या उम्र है आपकी? राम राम। क्या उम्र है अंकल जी? क्या आपकी उम्र कितनी है? 90 पार कर गया। 90 पार कर गए। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम देखकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत ही चाहते हैं। अच्छा,
ऐसा होना चाहिए क्या? क्या ऐसा कार्यक्रम होता रहना चाहिए? चाहिए, बढ़ना चाहिए, दिनों दिन बढ़ना चाहिए। अच्छा लगा, मजा आया? बहुत अच्छा लगा, मजा आया, खुशी है, बहुत खुशी है। अभी आप रोने लगे थे, क्यों रो रहे हैं? आंसू आ गए, खुशी का आंसू है। देखिए कितने सुंदर जो है अंकल जी हैं, जो 90 साल जिनकी उम्र है और उनकी एक बेटी जो 57 एज है, जिनकी दो बेटी जो है अपने पिता का पूजन कर रही है और दोनों ही भावुक हो जाते हैं ऐसे मौके पर, जहां आंटी के जो है बच्चे भी मौजूद हैं, तीन पीढ़ियां कह सकते हैं जो बच्चे आंटी की पूजा कर रहे हैं और आंटी अपने पिताजी की पूजा कर रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। क्या ऐसा होना चाहिए, वैलेंटाइन डे पर रोक लगनी चाहिए या फिर मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।